देवेशचंद ठाकुर जी हम समझते हैं कि सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मदद करने का सवाल है तो मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे हूँ। मैं उनके चुनाव में 2 दिन जाके रहा था और अच्छा खासा हमने प्रयास करके मेहनत करके उनको मदद भी पहुँचाया। NDA जिनको टिकट दिया वो NDA के सहारे जीते हैं। हम ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकता है, किसी पार्टी से हो सकता है, वो भी उनको मदद किए हैं, लेकिन ये साफ स्पष्ट है कि बगैर NDA के कोई NDA के कैंडिडेट नहीं जीता है। कई स्टेट में BJP की गवर्नमेंट है, वहाँ कहाँ है श्रवण कुमार जी? इस बात को समझना चाहिए और ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो किसी को बुरा ना लगे, अनुचित ना लगे। मांग अलग बात है, भाई ठीक है, वहाँ भी लड़ना चाहते हैं, वहाँ भी लड़ना चाहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन बगैर हमारे ना होगा तो उनको पूरा देश देखना चाहिए कि पूरा देश कैसे भाजपा चला रही है। जदयू कोटे के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कहा है कि देखिए जदयू के बिना BJP बेहतर परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकती है। वहीं देवेश चंद ठाकुर ने कहा है कि ना तो BJP मदद की है और ना ही जदयू मदद की है हमें चुनाव जीतने में। इसको लेकर के जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज बबलू, तो देखिए कैसे जो जदयू पे बरस जाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू, सबसे पहले आप वो सुने। देवेश चंद ठाकुर के बयान को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ना BJP मदद की है ना जदयू मदद की है हमें चुनाव जीतने में, जो है वो लालू प्रसाद यादव सबसे ज्यादा मदद की। देखिए देवेश चंद ठाकुर जी हम समझते हैं कि सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मदद करने का सवाल है तो मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे हूँ। मैं उनके चुनाव में 2 दिन जाके रहा था और अच्छा खासा हमने प्रयास करके मेहनत करके उनको मदद भी पहुँचाया, और मैं अपने मन से नहीं गया था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जहाँ भी गया वहाँ जाके काम किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने हमें मदद नहीं किया। NDA मजबूती से हमारे सबके साथ काम किया है, जो भी लोग जीते हैं वो NDA के दम पर जीते हैं। ये कहना हम समझते नहीं हैं कि ये सही बात है, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी के सहारे नहीं जीते हैं। NDA जिनको टिकट दिया वो NDA के सहारे जीते हैं। हम ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकता है, किसी पार्टी से हो सकता है, वो भी उनको मदद किए हैं, लेकिन ये साफ स्पष्ट है कि बगैर NDA के कोई NDA के कैंडिडेट नहीं जीता है। NDA की मजबूती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से ही लोग पहुंचे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से ही लोग दिल्ली पहुंचे हैं। बगैर जो है BJP बेहतर परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते झारखंड विधानसभा चुनाव में। देखिए ये अपना अपना मानना है, हम आप ये स्पष्ट मानिए ना, BJP पूरे देश में काम कर रही है, कई स्टेट में BJP की गवर्नमेंट है, वहाँ कहाँ है श्रवण कुमार जी? इस बात को समझना चाहिए और ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो किसी को बुरा ना लगे, अनुचित ना लगे। अपना काम, अपना मांग, अपना अधिकार सबके लिए, सब कोई अपना अपना मांग रख सकते हैं, कुछ मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह के कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता तो ये उचित नहीं है। और श्रवण बाबू पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, लंबे समय से मंत्री हैं, 2005 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, वो भी 2005 से लगातार मंत्री हैं, मैं भी 2005 से लगातार विधायक और मंत्री हूँ, तो वो समझदार व्यक्ति हैं। तो इस तरह से बयान अटपटा नहीं होना चाहिए, बयान ऐसा दे जो सबको अच्छा लगे। मांग अलग बात है, भाई ठीक है, वहाँ भी लड़ना चाहते हैं, वहाँ भी लड़ना चाहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन बगैर हमारे ना होगा तो उनको पूरा देश देखना चाहिए कि पूरा देश कैसे भाजपा चला रही है। इन मुद्दों को लेकर अपराध हो, चूल गिरने की समस्या, आरक्षण बड़ा मुद्दा क्या बन सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हर बार यात्रा पर निकलते हैं, और ये जब DC रहते हैं तो इनको अपना कमाई से फुर्सत नहीं होता है, इनको उस समय यात्रा पर निकलने का कोई समय नहीं रहता है। अब जब अभी जनता बेरोजगार कर दी है तो इनको यात्रा दिखाई पड़ रहा है, यात्रा करते रह जाएंगे, NDA की सरकार मजबूती से काम करेगी और बिहार को आके लेके जाएगी, ये लोग यात्रा करते रह जाएंगे। तो आपने सुना उनका कहना है कि देखिए मंत्री जी को इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए, 2005 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ मांग लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन वो जो कह रहे हैं बेहतर परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते हैं तो ये तो संभव ही नहीं है, BJP तो पूरे देश में है। वहीं देवेश चंद ठाकुर के बयान को लेकर के भी खूब बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना जो है NDA की मदद से कैसे जीत गए। वहीं तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं, इसको लेकर के भी कहा है कि अब वह यात्रा पे ही निकलते रहेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।